हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस फ्रंट ओपन अम्ब्रेला ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए ये मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, ये कॉटन फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसमें टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो कपड़े को मैंने विड्थ में 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच के कपड़े को बराबर करेंगे। और उसके बाद और यहाँ पे मैं टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंच मार्क कर रही हूँ। बनने के बाद ये 14 इंच की रेडी होगी। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से कपड़े को हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। विड्थ में देखिए ये 10.5 इंच है 4 फोल्ड में। मैं इसमें 34 चेस्ट साइज की कुर्ती बना रही हूँ। अभी देखिए इसमें फ्रंट से ये ओपन होगा, इसलिए हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कपड़ों को अलग अलग रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सेंटर से हम कट कर लेंगे। एक जो बंद वाला हिस्सा है वहाँ से मैंने सेंटर से कट किया है। अभी हमारे पास ये 2 पीस हो गए, एक फ्रंट का होगा और ये बैक का होगा। तो दोनों कपड़ों को बराबर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। जो नीचे वाला कपड़ा है वो फ्रंट के लिए होगा, तो देखिए 1/2 इंच बढ़ा के रखा है। जो बंद वाली साइड है वहाँ से 1/2 इंच बढ़ा के रखा है। अब हम जो भी मार्किंग करेंगे वो ऊपर वाले यानी बैक पार्ट से करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर 6.5 इंच मार्क किया मैंने, आर्म होल के लिए 7 इंच मार्क कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ देखिए चेस्ट मार्क करनी है, तो ऊपर वाले कपड़े से ही मार्किंग करनी है। तो चेस्ट साइज जितनी भी है उसका 1/4 हिस्सा लेना है और 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया, आर्म होल में गोलाई देंगे। तो आर्म होल का 1/2 मार्क करने के बाद इस तरह से गोलाई मार्क कर लेंगे। इसके बाद वेस्ट मार्क करेंगे। तो 28 वेस्ट साइज के लिए उसका 1/4 7 इंच होता है। इसमें भी हम 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले लेंगे जितना ऊपर की साइड लिया हुआ है। इस तरह से मार्क कर लेंगे, यहाँ पे करीब 1/2 इंच से हल्की सी गोलाई मार्क करेंगे। इसके बाद नेक मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ 3 इंच में मार्क करूँगी। इस तरह से मार्क किया और नेक डीप बैक पार्ट के लिए मैं इसमें 3.5 इंच मार्क कर रही हूँ और फ्रंट के लिए मैं इसमें 5.5 इंच मार्क करूँगी। तो अभी हम सिर्फ बैक नेक मार्क कर रहे हैं। इस तरह से गोलाई मार्क की। इसके बाद शोल्डर पे 1/2 इंच की स्लोप देंगे और इसे हम कट करेंगे। अभी यहाँ से देखिए बैक पार्ट को हटा लेते हैं और बैक पार्ट की नेक कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट हमने कट कर लिया है, ये फ्रंट का पार्ट है। तो यहाँ 1/2 इंच की गहराई देंगे आर्म होल में। उसके बाद यहाँ नेक डीप मार्क कर लेते हैं। तो नेक डीप के लिए मैं इसमें 6 इंच मार्क कर रही हूँ। इसमें हम वी शेप मार्क करेंगे, तो उस तरह से निशान बना लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट नेक भी हमने कट कर ली है, यहाँ पे आर्म होल कट कर लेंगे। तो टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम बॉटम कट करेंगे। तो जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैंने लेंथ में डबल फोल्ड करके रख लिया है। अभी हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देखिए ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और टॉप पार्ट को यहाँ रखते हुए हम इसकी वेस्ट मार्क करेंगे। इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से वेस्ट मार्क कर ली। अभी जिधर ओपन वाली साइड है वहाँ से देख लेते हैं। ये करीब 10.5 इंच आ रहा है, तो 10.5 इंच को हम गोलाई में मार्क कर लेंगे। इस तरह से वेस्ट मार्क कर ली इसकी।
इसके बाद हम इसकी टोटल लेंथ मार्क करेंगे। तो ऊपर की साइड पहले 14 इंच छोड़ देंगे टॉप पार्ट, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ करीब 46 इंच की आ रही है, तो मैं इसकी टोटल लेंथ ले लेती हूँ। और यहाँ से कॉर्नर से जितना भी आ रहा है उसको गोलाई में हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बॉटम भी हमने कट कर लिया है। अभी हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मिलाते हुए टॉप और बॉटम को एक साथ सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट को भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। इस तरह से सीधी साइड एक साथ मिला के रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया। ये फ्रंट का पार्ट है। देखिए इस तरह से सेंटर से हमें बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके रखना है। सेंटर से हम इसे कट करेंगे, तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से फोल्ड करेंगे और ऊपर से नीचे तक बिल्कुल इसे कट करके अलग कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। तो इस तरह से ये दो पार्ट हमने अलग कर लिए फ्रंट के। अभी हम इसमें स्ट्रिप्स अटैच करेंगे, जैसे हम बटन पट्टी के लिए स्ट्रिप्स अटैच करते हैं इसमें भी हम वैसे ही अटैच करेंगे। राइट साइड के पार्ट के लिए देखिए मैंने ये स्ट्रिप ली हुई है, 1.5 इंच की है ये। इसे हम राइट साइड में अटैच करेंगे, इस तरह से रखना है और नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से लेफ्ट साइड के पार्ट के लिए मैंने ये कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, स्ट्रिप की विड्थ मैंने 3 इंच की ली हुई है। इस तरह से इसे रखना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो स्ट्रिप में देखिए मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है, जैसे बटन पट्टी तैयार करते हैं ठीक उसी तरह से। अभी मैंने ये पोटली बटन्स ले लिए हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड का पार्ट इस तरह से रखेंगे ओवरलैप करके, 1 इंच छोड़ते हुए हम ये पोटली बटन्स इसमें अटैच करेंगे नेक में, और हाफ हाफ इंच की दूरी पे हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ से मैं इसे 14 इंच तक मार्क कर रही हूँ, यहाँ तक हम इसमें अटैच करेंगे, बाकी नीचे का हिस्सा ओपन होगा। इस तरह से रखते हुए इन पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए पोटली बटन्स मैंने अटैच कर लिए हैं, बाकी नीचे का हिस्सा ओपन है। इसके बाद हम इसकी नेक तैयार करेंगे। तो नेक के सेप की स्ट्रिप कट की है, इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसमें स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से नेक तैयार कर लेंगे इसकी। और ये बैक का पार्ट है, इसमें भी मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली है। इसमें भी नेक में छोटे छोटे से कट्स बनाएंगे और स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ शोल्डर हम इसके सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। स्लीव के लिए देखिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है और स्लीव की लेंथ मैं इसमें 14 इंच मार्क कर रही हूँ। ये 14 इंच मार्क है, यहाँ स्लीव की गोलाई रखेंगे, जिधर कम कपड़ा है यहाँ पे स्लीव की गोलाई रखेंगे। तो मुझे 7 इंच चाहिए, तो जहाँ तक 7 इंच आता है वहाँ मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसकी जो विड्थ रखेंगे वो हम नॉर्मल जितनी रखते हैं उससे करीब 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसके बाद यहाँ 3 इंच मार्क करेंगे और इसे स्लीव की सेप देंगे, यहाँ मिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव मैंने कट कर ली है। अभी हाफ इंच की गहराई देंगे फ्रंट स्लीव में। तो इस तरह से हाफ इंच मार्क करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड का पार्ट है। इसके बाद इसमें हमें सेंटर में इलास्टिक अटैच करनी है। तो इलास्टिक की जो लेंथ मैंने रखी है वो 9 इंच की रखी है। इस तरह से देखिए सेंटर इसका मार्क करेंगे।
इस तरह से सेंटर मार्क कर लिया। अभी सेंटर पे ही पहले इसकी एज फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ रखते हुए इस तरह से हल्का सा खींचते हुए इसमें हम ये इलास्टिक अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर मैंने सिलाई लगा ली है शोल्डर में, और यहाँ इलास्टिक अटैच कर ली है स्लीव में। इसके बाद यहाँ इस तरह से रखते हुए हम स्लीव को सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। जितना भी यहाँ एक्स्ट्रा आएगा उसके ऊपर की साइड छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लेंगे। इस तरह से स्लीव को हमें इसमें अटैच करना है। दूसरे साइड भी इसी तरह से स्लीव को अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने स्लीव्स इसकी अटैच कर ली है। इसके बाद हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे से इसकी घेर को भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है और ये ड्रेस बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।